रिद्धि बार बार पूछ रहे कैसी लग रही है भाभी मैं, बताओ इनको। सर्विस करवाने के बाद मारुति मारुति रहती है वो BMW और मर्सिडीज नहीं बन जाती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये हम उठ चुके हैं। सबसे पहले कौन उठा था? सबसे पहले रिद्धि उठी थी। मम्मा अंदर हैं और ये सुबह सुबह डॉक्टर उपासना बोल रहा, देखते हैं क्या बना रहे हैं। खुशबू तो तड़के की बहुत ही अच्छी आ रही है, देखते हैं क्या बन रहा है आज। क्या बन रहा है? छोले भटूरे। ओ भाई साहब, सुबह 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 बन रहे छोले भटूरे। और ये भी क्या बन रहे हैं? तड़का वड़का लगा रहे हैं। और रिद्धि, रिद्धि एक्साइटेड है। रिद्धि सुबह से पापा के पीछे पीछे घूम रही है। मैं कह रही हूँ कैसा महसूस हो रहा है 6 साल में दोबारा बच्चे का फील करके। पापा मम्मी ने फिर क्या कहा, कैसा फील हो रहा है? अच्छा, मम्मी कह रहे सुबह उठ के पापा के साथ मंदिर। मैंने भी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी रिद्धि परेशान तो नहीं कर रही? तो मम्मी कह रही यही तो मेरा मन लगा के रख रही है। तो यार वही होता है ना कि देखो इतना छोटा बच्चा है, ठीक है। अब देखो घर में ना कितनी रौनक से आ जाती है। और इसका भी ना मन लगा रहता है, ये नहीं किसी काम को रिद्धि कभी मना नहीं करती। अगर ये बोलते ना रिद्धि जाओ ये करके आओ, कभी कभार वैसे ड्रामे कर देती है, माच जाती है। बट लेकिन अगर हम एक बार कहते हैं रिद्धि बेटा अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं फटाफट। हाँ, तो आज हम रिद्धि के कान छिदवाने लेके जा रहे हैं, कस्तूरी मेथी लेके आते हैं। ये रिद्धि, रिद्धि फुल मौज हो रही है। यार छोटा बच्चा खुश रहे, उससे ज्यादा खुशी की और क्या बात है। कोई जिद नहीं की? अरे मैं तो कहता हूँ बहुत गुड गर्ल, इधर आओ देखो। ओहो, क्या 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 मिला, क्या मिला? ये एंड ये वेदर है, बहुत ही अच्छा वेदर। और अभी सुबह के आई गेस 9 बज रहे हैं और ये वेदर है यहाँ पे। और ये उपासना की रसोई से आज हमें छोले मिल रहे हैं, शाही पनीर। ये तो मम्मी ने बनाया है। मैंने बनाया। अच्छा, ये उपासना है, तो ये उपासना की रसोई से है दोनों के दोनों। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या आपको इनका कुकिंग चैनल चाहिए। तो क्या हो रहा है ये? तो ऐसा कहा जाता हमेशा, शादी उससे करो जो सारे काम कर पाए। डॉक्टर आपने देख लिया, शेफ आपने देख लिया, अब यहाँ पे क्या बनने जा रहे हैं आप? आज कौन से किरदार में, आप कौन से करेक्टर में? मैम एक बार बता दो, एक बार जनता आपके मुंह से सुनना चाहती है। मैडम आप कौन से करेक्टर में आज आए हैं? बताएंगे मैं कौन से करेक्टर में आज। ऐसा कहते हैं कि इंसान का मुंह नहीं उसका काम जो होता है वो बोलता है। ओह, तो एक नया स्टाइल देते हुए। मैम क्या आपने ये कोर्स किया या फिर टैलेंट? टैलेंट ना, तो इसको हिंदी में हम क्या बोलते जो आप काम कर रहे हो? नाई नाई। ये शाबाश, क्या गजब का टैलेंट। ओ भाई साहब, तो गाइस आप लोग बताइएगा क्या इनका नया चैनल बनाया जाए, उस पे आपको हेयर कटिंग टिप्स भी चाहिए क्या? इतने सफाई से नाई कैची ना चलाए, ठीक है? तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें मल्टीटास्किंग भी मिली है, वर्सेटाइल पर्सनालिटी। तो अगर जावेद हबीब साहब हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीखने की जरूरत है कि कैसे कैंची चलाई जाती है। ये मैं आगे से जैसे अपने बालों का वो करती हूँ। अब सोच के देखो, जो इंसान कैंची इतनी सफाई से चला रहा है सोचो उसकी जुबान का क्या हाल होगा। रिद्धि एक वो ड्रीम लाइफ होती है ना, वो जी रही है रिद्धि। कुछ नहीं खुद से करना, यहाँ तक कि करने के बाद भी धोने के लिए दो लोग तैयार रहते हैं, एक पानी लेके। आइज क्लोज। पहले इनको नहलाया गया, इनका हेड वॉश किया गया, फिर उसके बाद इनके बाल काटे जा रहे हैं। आज तो इसके कंडीशनर भी किया मैंने। कंडीशनर करने के बाद फुल सलून वाली फीलिंग आ रही है। ये हम हैं
ये बाल कटाने वाले और ये हमारे नाई है। कैसा लग रहा है? हाँ बेटा तुम्हें तो मोह जाएगी, लोग नाई के पास जाके बाल नहीं कटवा पाते, तुम डॉक्टर से कटवा रही हो। बाल वाल काटते हैं ना, तो जैसे सबसे पहले बाल गीले करने के लिए पानी मारा जाता था, बिस्लरी का पानी मारा गया इनके बालों पे। कभी मुझको हंसाए भैया अजय देवगन वाले लोग, वो लड़की बहुत यार। दीदी एक बार ऐसी टेढ़ा मुंह करके सैड एक्सप्रेशन सीधा बाल जाएंगे। यार ये देखना चेहरे कैसे कैसे बना रही है। और ये बार बार पूछ रहे कैसी लग रही है भाभी, मैं बताओ इनको, सर्विस करवाने के बाद मारुति मारुति रहती है। वो BMW और मर्सिडीज नहीं बन जाती। तो फाइनली दीदी की कटिंग हो गई कंप्लीट, हमारे नाई साहब ने कर दी है। और एक बार हम पूरा, बेटा ऐसे रहो आप पूरा, मैं ये न्यू लुक दिखा रहा हूं, न्यू लुक है ये। ये पोज देती हुई, इनको लग रहा है कि इनकी टांग भी आ रही है इसमें। और ये रिद्धि का आ गया न्यू लुक। तो अभी रिद्धि को इनका गिफ्ट मिल रहा है, बर्थडे रिद्धि का 23rd को है एंड 23rd को हम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। तो रिद्धि ने जैसा कि डिमांड की थी, गेस करो क्या है रिद्धि? डायमंड इयररिंग। दिखाओ कैसी है। और ये रिद्धि को उनका बर्थडे गिफ्ट मिल गया है, कैसा लगा रिद्धि? बहुत अच्छा। दिखाओ रिद्धि के कान छिदवाने जा रहे हैं। कि मैंने इनको कह रखा है, मैंने कहा एक ऐसा है कि आप ये सारी चीजें कर लेना, ये चीज मेरे बस का संभालना नहीं, क्योंकि यार काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हर चीज मेरे को संभालनी पड़ती है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये संभाल लेती हैं। ठीक है, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मेरे को पता था कि आप ये खरीद के रखोगे, क्योंकि आप वीडियो देख रहे थे, आपको पता कि रिद्धि ने क्या डिमांड की है, तो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो हाल, देखो इस इंसान का हाल, देखो मौत को टक से चुके वापस आए फिर से। ये रिद्धि देख यार, बच्चा कितना खुश है। और पता है यार, एक बच्चे की खुशी से बढ़ के ना और कोई भी चीज़ नहीं होती। मतलब मुझे इससे इतना ज़्यादा लगाव है ना कि वो शायद मैं कभी भी ना वर्ड्स में बता ही नहीं सकता हूँ कि मुझे रिद्धि से कितना लगाव है। और इसने जो डिमांड आज तक की है ना, वो इसकी पूरी हुई है। डर तो नहीं लग रहा है ना? पता भी नहीं चला। नो 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 हो गया बे, गन नहीं थी उससे कर देते या तो ये थोड़ा ऊपर नहीं कर वो नहीं हो पाया पियर्सिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोने लगी। और एक्चुअली हमें लगा कि वो गन वाला था उससे करेंगे, यार उन्होंने सीधा वो डाल दिया और वो बहुत बुरी तरीके से रोने लग गई रिद्धि। तो हमने कहा कि भाई फिर यहाँ नहीं करवाते हम। तो अब जाके रिद्धि शांत हुई है। रिद्धि अपने कान दिखाओ बेटा, यहाँ पे बस दबाना मत। नहीं नहीं बेटा, दबाऊंगा नहीं। अब ठीक है रिद्धि? रिद्धि अब तो ठीक हो ना? मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि ना हमें ना हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए। 10-15-20 मिनट पहले क्या हुआ है उसे कोई खबर नहीं होती है, वो अपनी मस्ती में फिर से यूं ही
निकल जाता है। हमेशा ना एक छोटे बच्चे की तरह रहो। हम क्या करते हैं ना, जितने ज़्यादा बड़े होते जाते हैं ना, अगर कोई हमें एक बात भी बोल देना, हमें वही चुप जाती है, इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। एक बात को लेकर हम कई दिन तक बैठे रहेंगे, पर एक छोटा बच्चा, उसे किसी की कोई परवाह नहीं होती है। अरे मेरे को तो बिठा ले, यहाँ कौन सी यार, यहाँ ओला उबर भी नहीं चलती है, मुझे तो बिठा ले यार। इसने मुझे ना बीच बीच रोड पे उतार दिया, ठीक है, बीच रोड पे उतार दिया, और ये स्कूटी रोक ले, देख रहे हो। अरे तो रिद्धि के बर्थडे की शॉपिंग चल रही है, रिद्धि के गिफ्ट्स वगैरह डन हो गए हैं। चलो अब हम चलते हैं फटाफट से। लेकिन एक और अपडेट कि डॉक्टर उपासना वोरा के 50K हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। और ये मैडम पौष्टिक आहार का सेवन करती हुई, आपको लग रहा होगा कि ये छोला कुलचा है, ये हिमाचल जैसे कहीं नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं, ये छोला कुलचा नहीं है, ये आंवला, ठीक है, तोरी, ठीक है, उसका एलोवेरा, ये रस है, उनको मिला के बनाया गया, ये नहीं है, आपको लग रहा होगा ये छोले कुलचे हैं। कई बार मुझे ये समझ नहीं आता उपासना कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो या तुम्हारा गांव। इतनी अमेजिंग शादी में देख रहे हो कितना गंदा रिएक्शन। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर से अगर आप शादी कर रहे हो तो सोच समझ के करना। इन्हें ये जगह अच्छी लगती है और हमें इस जगह पर रहने वाले। तो ये बाबा पिछले 10 लोग का नतीजा था, देख रहे हो कितनी शांति है। कई बार पता मैं क्या सोचता हूँ उपासना, अगर मैं ऐसी किसी जगह पर रहता ना तो मैं कभी नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं शायरियों की किताबें भर देता, कितना सुकून है यहाँ पे। पता है, अब देखो जैसे मैं बता रही हूँ, मतलब हर सब चीजें एक साथ नहीं मिलती ना। जैसे वो घर है, ठीक है, नीचे इकलौता घर है, लेकिन पता है हिमाचल की क्या खासियत है, यहाँ पे हर घर में इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक एक पर्सन को, एक जो भी वहाँ का सिटीजन है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, कनेक्टिविटी है पूरी वहाँ पे हर चीज की। और हाँ यार, सुकून तो है ही है। ये इंसान नहीं सुधरने का, इसने ठान ली है, और आज छिपकली की बारी है। ओए ये मेरी तरफ आ रही है, दूर हो जा, दूर हो। ओए यार वो मर जाएगी, रहन दो। ओए कॉकरोच के बाद अब बारी थी यार, क्या और ये अब टर्न है छिपकली की, छिपकली का बच्चा, ये लजर्ड और कॉकरोच का प्यार हो चुका। और ये देखो, ये इसकी डायरेक्शन देखने की, ये मम्मी बना रही खाना, बन गया। तो ये रिद्धि ने जो उल्टी की थी गाड़ी में, साफ करते हुए, उसको साफ करते हुए, सुनो वो वहाँ पे गोभियाँ गिरी हुई हैं, गंदे। अरे वहाँ गोभियाँ सच में गिरी हुई हैं, स्मेल आ रही है ना, बहुत बुरी हाल है। क्यों, कल हमें जाना है, कल हमें सुबह जाना है, लेकिन स्मेल गाड़ी में इतनी हो चुकी है कि हम इसमें बैठ नहीं सकते। और रिद्धि कैसा लगा? रिद्धि क्या क्या सीखा? मम्मी मन लगा रिद्धि के साथ? रिद्धि का ना मन सिर्फ एक इंसान के साथ लगता है, वो उपासना। रिद्धि को बस उपासना चाहिए। किसके साथ रहना है रिद्धि? सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? और सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? रहना किसके साथ है? भाई। बच्चे नहीं जाते मेरे से दूर।
रिद्धि भैया मारते हैं आपको? उपासना मारती हैं? अरे रहना किसके साथ है? सही है भाई, ये देखो मुझे मेरा कान दिख रहा है आपको? छेद बंद हो गया। अच्छा बंद हो गया, तो ये दोनों नए दोस्त बने हैं, तनी और रिद्धि। ठीक है, इन दो दोस्तों की बातें चल रही हैं वीडियो कॉल पे। और की हाल चाल है तुम्हारा? और रे भैया तो यार आज का भी दिन ऐसे ही हंसते खेलते निकल गया। रिद्धि की जो एक विश थी वो तो हम पूरी नहीं कर पाए, बट कोई नहीं, कल अब हमें फटाफट से सुबह उठ के राखी बंधवा के फिर निकलना है। तो तब तक आप लोग यार अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।